नाइट्रोजन फैमिली एक बार फिर से सभी लोगों का हम वेलकम करते हैं, सभी लोगों को हेलो भी कर देते हैं। और नाइट्रोजन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर फास्फोरस। नाइट्रोजन फैमिली में मेरे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के बारे में इतना कोई खास मटेरियल है नहीं पढ़ने पढ़ाने के। नाइट्रोजन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले, अब थोड़ा फास्फोरस के बारे में बातें करेंगे कि फास्फोरस कैसा कैसा होता है और फास्फोरस की कंपाउंड्स क्या क्या है, थोड़ा उनकी भी बातें कर लेते हैं। चलो, फास्फोरस बेसिकली तीन तरह का, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। जो व्हाइट वाला फॉस्फोरस है बहुत रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है उसको हम लोग हवा में नहीं रख सकते, उसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। हवा में जैसे ही आएगा तुरंत रिएक्शन करता है और आग लग जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस को हम हवा में नहीं रखते हैं। रेड फॉस्फोरस उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है। ब्लैक फॉस्फोरस सबसे कम रिएक्टिव है, जनरली ये हवा में रख दो तो कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता, तो पड़ा रहता है जब तक रख दोगे। तो ऐसा क्यों है? फास्फोरस तो एक ही है, ठीक है, फास्फोरस का फॉर्मूला होता है पी। तो क्यों ऐसा है कि कभी ये वाइट है, कभी रेड है, कभी ब्लैक है, कभी रिएक्शन ज्यादा तेजी से कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है? तो इसके पीछे इसका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। जैसा जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा वैसा इनका बिहेवियर होगा। तो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस जो है स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है, उसके चारों कोनों पर चार फॉस्फोरस को लगा दो। प्लेन से थोड़ा बाहर की तरफ है, प्लेन से अंदर की तरफ होगा और ये इनका कनेक्शन है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। तो अगर हम ऑक्टेट देखें, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये तीन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो इस वाले फॉस्फोरस ने भी तीन बॉन्ड बना रखे हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, इसी तरह से इसने भी तीन बॉन्ड्स बना रखे हैं इसके साथ इसके साथ इसके साथ, सेम ही है, इसने भी तीन बॉन्ड्स बना रखे हैं, इसने भी तीन बॉन्ड बना रखे हैं। तो सबने अपना अपना तीन तीन बॉन्ड कंप्लीट कर रखा है और ये एक टेट्राहेड्रॉन टाइप का बना रखा है। इसमें देखो एक फेस इधर है, एक फेस सामने की तरफ है, एक फेस पीछे की तरफ और एक फेस नीचे से है। तो चार फेसेज है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ टेट्राहेड्रॉन। अब इसमें क्या है कि ये बॉन्ड एंगल्स जो है बड़े कम होते हैं, बॉन्ड एंगल्स 60 डिग्री का, इसकी वजह से बहुत तकलीफ में है, ठीक है ना। ये बॉन्ड एंगल बहुत कम है जिसकी वजह से इसके ऊपर एंगल स्ट्रेन पड़ता है। एंगल स्ट्रेन, ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक स्प्रिंग ऐसा हो जो इतनी दूर पर फिक्स रहने के लिए बनाया गया हो और उसको जबरदस्ती थोड़ा और ज्यादा खींच कर रखो या जबरदस्ती थोड़ा दबा करके रखो तो स्प्रिंग हमेशा जो है अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मान लो एक ये एक डंडा है, इधर भी डंडा है अपना, तो लोग स्प्रिंग से लगा करके ऐसा ही फिक्स कर दिया है और इस पर हम फोर्स लगा कर तो चाहे तो एंगल बढ़ा दे चाहे तो एंगल घटा दे, लेकिन अगर ये अपने नॉर्मल सिचुएशन में तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करके इसका एंगल घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो ऐसे स्थिति में ये वापस अपनी पोजिशन में आने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, कि स्ट्रेन है, ओरिजिनल स्टेटस में नहीं तो स्ट्रेन है, वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगा। तो ये जो 60 डिग्री का बॉन्ड है ना, ये अलाउड टाइप का बहुत बढ़िया नहीं होता है, ये स्ट्रेन होता है। 60 डिग्री पे कोई बॉन्ड ऐसा बनता नहीं है जनरली, लेकिन ये फास्फोरस चारों एक साथ रहे इसके लिए मजबूरी है इनकी कि ये 60 डिग्री का एंगल इनको मेंटेन करना पड़ेगा। और इस वजह से क्या है, इस मॉलिक्यूल में बड़ा स्ट्रेन है, जल्दी इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। व्हाइट फास्फोरस इज मच रिएक्टिव, रिएक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसको तोड़ करके निकलना चाहते हैं। देन रेड फॉस्फोरस, उसका स्ट्रक्चर क्या है?
उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, उसमें एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है। यहाँ पर क्या है, एक फॉस्फोरस है, फिर फॉस्फोरस है, फिर फॉस्फोरस है, फिर फॉस्फोरस है, तो इस तरह से। और अब ये वाला कनेक्शन नहीं है इसमें, इसमें इसने इसको भी पकड़ रखा है, ये वाला कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से फॉस्फोरस का दूसरा यूनिट है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और है। इसका इसका अगर हम बॉन्ड देखें, इसका बॉन्ड कितना अच्छा, ये भी सामने से बनाना पड़ेगा। इसने तीन बॉन्ड्स अपने पूरे कर लिए हैं, इसने भी तीन बॉन्ड्स अपने पूरे कर लिए, लेकिन इसने सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाए और इसने भी सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाए। तो अभी इसका एक बॉन्ड बाकी है, इसका भी एक बॉन्ड बाकी है, तो होगा क्या, ये वाला यूनिट इस वाला यूनिट के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये वाला इधर एक नए यूनिट के साथ, इधर ये भी एक नए यूनिट के साथ, तो ये एक यूनिट है, टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल यूनिट। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कई सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं, मिलकर के सब बढ़ते से जाते हैं, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट। एक्चुअली ये पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक समझते हो ना, एक जैसे यूनिट्स इसमें पाए जाते हैं, तो ढेर सारे यूनिट्स को, एक यूनिट है, दो यूनिट है, फिर तीन यूनिट है, फिर चार यूनिट है, ऐसे ढेर सारे यूनिट मिलकर के कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब कोई यूनिट है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये मोनोमर हो गया, इसका जो यूनिट है ये मोनोमर है, या फिर उसको रिपीटिंग रिपीटेटिव यूनिट या रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा रिपीट करने से बार बार, उसको बोलेंगे पॉलीमर और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो रेड फॉस्फोरस क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है, उसमें कई सारे यूनिट्स मिलकर के अपना पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाया गया। ब्लैक फॉस्फोरस फिर भी इसमें एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हुआ है, केवल ये बीच में ये बॉन्ड ही तो नहीं है ना, इसकी वजह से एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये भी काफी रिएक्टिव होता है। देन द ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस में क्या है, इसको उसमें फॉस्फोरस मिल करके रिंग बना लेते हैं, हेक्सागोनल रिंग, यहां पर स्ट्रेन नहीं है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से मिल करके हेक्सागोनल रिंग बना देते हैं, लेकिन ये रिंग जो होता है ना पकर्ड होता है, रिंग पकड़, पकर्ड रिंग किसको बोलते हैं, जो रिंग फ्लैट होता है बढ़िया माना जाता है, मतलब नॉन पकर्ड बोलते हैं, और जो रिंग फ्लैट नहीं होता है ऐसे रिंग को बोलते हैं पकर्ड रिंग, पकर्ड रिंग। कभी कभी पूछ देता है पकर्ड रिंग क्या होता है, या फिर तीन चार कंपाउंड का नाम दे देगा, पूछेगा बताओ किसका रिंग जो है पकर्ड है इसमें, जैसे पकर्ड रिंग मतलब ये वाला बॉन्ड जो है प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, प्लेन में नहीं है, इसीलिए पकड़ टाइप का बोल रहे हैं। तो ये इतना का ही नहीं रुकता है, इसमें और भी फॉस्फोरस यूनिट्स इस तरह से मिलते चले जाते हैं, तो ये और बढ़ता जाएगा। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ाया है हमने सॉलिड स्टेट में, इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह लेयर्ड होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, जिसको हम और भी इस तरह से, ये भी एक लेयर बना, इसी तरह से दूसरा लेयर भी बनेगा, फिर कई लेयर्स हो जाएंगे और वो लेयर से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे रहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट की तरह होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, उस पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी समझ में आ जाएगा। बस उसमें डिफरेंस क्या है, ग्रेफाइट में सारे कार्बन एटम्स मिलकर एक प्लेन में रहते हैं, यहाँ कुछ प्लेन से बाहर वाला मामला भी है, ओके। तो इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसीलिए इसको बॉन्ड तोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। अभी रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस में क्या था, एंगल स्ट्रेन था, एंगल जो नॉर्मल से बड़ा कम था। अब ये प्रश्न है कि नॉर्मल एंगल कितना होता है, तो अगर हम फॉस्फोरस के बारे में सोचें, फॉस्फोरस है, तीन बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि एक लोन पेयर भी है, तो थोड़ा कम मतलब चलो 10 डिग्री कम कर देते हैं, तो 100 डिग्री तो होना चाहिए ना, चलो 4-5 डिग्री और कर दिया, 95 डिग्री तो दिखना चाहिए। लेकिन रेड फॉस्फोरस में क्या था, एंगल 60 डिग्री का एंगल था। तो अगर कोई चीज 100 डिग्री पर रहने के लिए बना है, उसको जबरदस्ती दबा करके 60 डिग्री पर कर दोगे, तो एंगल का स्ट्रेन तो आ ही जाएगा। यही रीजन है कि रेड फॉस्फोरस में
और व्हाइट फॉस्फोरस में एंगल स्ट्रेन था, क्योंकि नॉर्मल एंगल से बड़ा कम एंगल है, ठीक है ना। फॉस्फोरस अगर तीन बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर बनाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें लोन पेयर आ गया तो पिरामिडल हो जाना चाहिए, और जो एंगल है वो 109 डिग्री से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कम, चलो 109 में 10 था, इसमें हम 10 की कमी कर देते तो लगभग लगभग 100 डिग्री फिर भी बचता है। लेकिन ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल अगर बना रहे हैं कहीं, तो 100 की जगह 60 बनाए तो बहुत कम हो गया ना, और बहुत कम होने का मतलब स्ट्रेन। और यही वजह है कि अपना रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला फॉस्फोरस है इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, एकदम मस्त है, इसका एंगल उतना ही है जितना होना चाहिए, इसे कोई तकलीफ नहीं है और यह जल्दी कोई रिएक्शन नहीं करता। और इसमें मेटेलिक लश्चर भी पाया जाता है, मेटेलिक लश्चर, लश्चर का स्पेलिंग का होता है। चलो जो आता है खोज देना आप देखते हैं गूगल। तो मेटेलिक लश्चर मतलब जो कोई मेटल होता है तो चमकता रहता है, इसी तरह से फॉस्फोरस ब्लैक वाला भी चमकता रहता है, इसीलिए इसको मेटेलिक फॉस्फोरस भी बोला जाता है। तो कभी कभी पेपर में दे दिया जाता है कि तीनों फॉस्फोरस का नाम लेकर के पूछ लेगा कौन सा जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, या कह देगा कि ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बताओ, या रेड वाले का बताओ, या व्हाइट वाले का बताओ, तो बता दिया जाएगा। ओके, तो ये फ्रॉम द साइड ऑफ फॉस्फोरस, और भी बहुत कुछ है फॉस्फोरस के बारे में लेकिन ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। देन फॉस्फोरस के हैलाइड्स, थोड़ा इनका स्ट्रक्चर भी देख लिया जाए, इसमें स्ट्रक्चर पर ही ज्यादा फोकस करना है। फॉस्फोरस हैलाइड्स तस्वीर PCl5 एंड PBr5 की हम बात कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो PCl5 में 5 बॉन्ड्स होते हैं, Cl, 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 Cl एंड Cl, तीन प्लेन में, ये तीनों मिलकर के प्लेन बनाते हैं, और ये वाला जो है प्लेन से ऊपर और ये जो है प्लेन से नीचे की तरफ, शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल पाई पिरामिडल, ट्राइगोनल एंड बाई पिरामिडल। तो अगर ये वेपर फेज में है, ठीक है, गैस तो वेपर फेज या गैस फेज में है, तो ये जो है इस तरह का स्टेप होता है इसका, वेपर फेज या गैस फेज में सबसे पैसा होता है। लेकिन सॉलिड फेज में, जब सॉलिड स्टेट में रहता है, तो ये पाया जाता है कि इसका से पैसा नहीं होता है, होता क्या है, सॉलिड स्टेट में एक्चुअली PCl5 की तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है ना। और ये दो PCl5 मिल करके एक PCl4+ और एक PCl6- बना लेते हैं। ओके, सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर ऐसा PCl5 होता नहीं है, सॉलिड स्टेट में दो PCl5 आपस में मिल करके एक क्लोरीन का लेन देन करके, इसने अपना एक क्लोरीन इसको दे दिया, तो ये Cl- दिया तो PCl6- हो गया, और इसने क्लोरीन डोनेट कर दिया एक ने तो PCl4+ हो गया। तो कुछ ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक खास बात और कि इसमें जो है ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं, ये तीनों बॉन्ड्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों जो है, ये दोनों बॉन्ड्स जो है ये थोड़े वीक होते हैं, वीक मतलब बड़ा होगा, ये दोनों, ये तीनों बॉन्ड का जो लंबाई है थोड़ा कम होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इस वाले बॉन्ड की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। रीजन इसका हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ 120 डिग्री का एंगल है, ठीक, और यहाँ क्या है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इस 90 डिग्री एंगल की वजह से क्या है कि यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है, इसीलिए वाला बॉन्ड कमजोर है, ये वाला बॉन्ड कमजोर है, यहाँ पर 120 डिग्री का स्पेस है, इसीलिए बॉन्ड जो है मजबूत होता है। तो जो छोटा, जो मजबूत बॉन्ड होता है वो छोटा होता है, जो कमजोर बॉन्ड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए इसमें दो तरह के बॉन्ड लेंथ दिखाई पड़ते हैं। ओके, तो हम इस पर बात कर रहे थे PCl5 इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये देखा जाता है कि PCl5 जो है वो अपना एडजस्टमेंट करके PCl4+ और PCl6- में बदल जाता है। PCl4+ का शेप अगर देखोगे तो कैसा होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, फॉस्फोरस और एक क्लोरीन प्लेन में, दूसरा प्लेन में, तीसरा प्लेन से बाहर और चौथा प्लेन के अंदर की तरफ, और फॉस्फोरस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा। PCl6 कैसा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब एक फॉस्फोरस है
चार क्लोरीन प्लेन में है, तो नेगेटिव चार्ज भी लगा दो, ये चारों कहां है, प्लेन में है, एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर से और एक क्लोरीन प्लेन के नीचे से, तो सॉलिड स्टेट में ये दो एक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये बड़ा है ये छोटा है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, पैकिंग बना लेगा, और ये जो है पैकिंग बनेगा तो बीच बीच में जो होल्स बन जाते हैं उसमें घुस जाता होगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है मजबूत बन जाता है। सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है PCl5 जो है सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बताना कि सॉलिड स्टेट में थोड़ा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, दो तरह के आयन पाए जाते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन इसी तरह से PBr5, PBr5 का स्ट्रक्चर देखेंगे सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में तो ये भी नॉर्मल होता है, फॉस्फोरस है, एक ब्रोमीन प्लेन में, दूसरा प्लेन में, तीसरा प्लेन में, ठीक, ये सब प्लेन में होगा, एक ब्रोमीन प्लेन से ऊपर और एक ब्रोमीन प्लेन से नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, पी बी आर फोर प्लस एंड बी आर माइनस, दो आयन एग्जिस्ट करता है, ये तो अकेले है सिंगल पॉइंट, इसका कोई शेप होगा नहीं, लेकिन इसका शेप निकालिएगा तो टेट्राहेड्रल दिखाई पड़ेगा, तो इस तरह से PBr5 जो है सॉलिड स्टेट में PBr4 प्लस एंड Br माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि PCl5 जो है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज ऑल अबाउट फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स। कभी कभी इनके बारे में भी थोड़ी बातें पूछी जाती हैं, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस क्या दिया, ऑक्सो एसिड मतलब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन भी रहेगा और वो एसिड का भी काम करेगा, लाइक H3PO4, H3PO3, H3PO2, ये तीन तो बड़े फेमस है। H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फास्फोरस डबल बॉन्ड OH OH खर्च कर दिया तो लोन पेयर बचना नहीं है, तो फास्फोरस का एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप AB4 है, और AB4 सिस्टम होता है तो उसका शेप जो है टेट्राहेड्रल होता है ना, इसके चार आर्म्स है, एक दो, तीसरा आर्म और चौथा आर्म, तो चार आर्म्स होने की वजह से ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप में चला जाएगा फास्फोरस, ये प्लेन में, एक प्लेन से बाहर की तरफ और एक प्लेन से अंदर की तरफ, तो कुछ ऐसा इसका शेप होगा। सेम अगर H3PO3 बनाना हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ से कहीं से कम कर दो, हम इसी को कम कर देते हैं, ये हाइड्रोजन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया अपना H3PO3, सेम भी उसी तरह से निकल जाएगा, कहीं पर एक हाइड्रोजन लगा दो, H3PO2 बोला एक ऑक्सीजन और कहीं से कम कर दो, चलो ये वाला कम कर दिया, तो ये हो गया H3PO2, सेप बनाना हुआ तो ये सेप हो गया, तो सेप जो है तीनों का टेट्राहेड्रल 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 टाइप का ही होता है, टेट्राहेड्रल टाइप का होता है, और इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कभी कभी पूछता है कि इनकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए, बेसिसिटी, बेसिसिटी के बारे में पूछता है, बेसिसिटी क्या है, कोई भी एसिड जितना H+ देता है उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। तो H3PO4 में तीन OH ग्रुप थे, ठीक है ना, तीन OH ग्रुप, तो ये यहां से भी H+ दे देगा, जब H+ लूज कर देगा तो H+ और O पर माइनस, यहां से भी H+ लूज कर देगा H+ और O पर माइनस, H+ और O पर माइनस, ये जो है ट्राइबेसिक, ये क्या है ट्राइबेसिक, मतलब तीन H+ आयंस दे सकता है, जरूरत पड़ने पर दो भी देगा, जरूरत पड़ने पर एक भी देगा, लेकिन मैक्सिमम तीन H+ आयंस दे सकता है। दूसरे वाले में क्या स्टोरी है, इसका स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या था, दो OH ग्रुप थे और एक डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हुआ, ये ऐसा स्ट्रक्चर था, तो जब दो OH ग्रुप है तो एक H+ यहां से रिलीज कर सकता है, एक H+ यहां से रिलीज कर सकता है, तो ये सिर्फ दो H+ दे सकता है, इसका मैक्सिमम बेसिसिटी दो पॉसिबल है, और H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या था, सिर्फ एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर डायरेक्ट, ओके, तो ये सिर्फ यहां से एक H+ दे सकता है, तो इसका बेसिसिटी जो है वो 1 होगा,
कभी कभी पूछता है तीनों के बारे में देखकर के पूछेगा किसकी बेसिसिटी एक है, किसकी दो है, किसकी तीन है, या तीन बेसिसिटी किसकी हो सकती है, दो किसकी हो सकती है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है H2P2O7। इसमें दो फॉस्फोरस है तो दो सेंटर्स होंगे, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक, कुछ कम रह गया क्या? H2P2O7 ही तो लिखा है ना, कुछ कमी रह गई है? सात ऑक्सीजन है, सात में से एक दो तीन चार पांच, एक ऑक्सीजन और कहा एडजस्ट कर दिया जाए। फॉर्मूला कुछ गलत लिख कर लेकर चले आए हैं क्या? इसका स्ट्रक्चर जो है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ऐसा होना चाहिए, तो ये H4 होना चाहिए। H2 में कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, हो गया ना एक दो तीन चार पाँच छ सात H4P2O7। H2P2O7 कुछ मजा नहीं आ रहा, ऑक्सीजन एडजस्ट नहीं हो रहा। ओके, तो ये H4P2O7 है, इसका स्ट्रक्चर तो बना ही दिया है। अब क्या करना है, एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH फॉस्फोरस पांच बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, फॉस्फोरस के अंतिम में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं और पांच इलेक्ट्रॉनों की मदद से पांच बॉन्ड बनाता है, तो इसने भी पांच बॉन्ड बनाया, इसने भी पांच बॉन्ड बनाया। इसमें दो सेंटर, तो यहाँ भी देखो टेट्राहेड्रल सेंटर है, ये प्लेन के बाहर है और ये वाला जो है प्लेन के अंदर कर दो, ये वाला जो है प्लेन के बाहर एक बना दो और एक को प्लेन के अंदर कर दो। तो ये भी टेट्राहेड्रॉन है, ये भी टेट्राहेड्रॉन है, दोनों कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया अपना H4P2O7। तो थोड़ा इन स्ट्रक्चर्स का नाम भी जान लिया जाए। इसको हम बोलते हैं, हम नहीं मतलब सभी लोग बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरस का स्पेलिंग ना बड़ा टेढ़ा है, फॉस्फोरिक एसिड, और इस वाले को हम कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, कुछ ऐसा इनका नाम है। या आपको नहीं भी लगाइएगा फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड तब भी चल जाता है, कॉमनली इनको इसको फॉस्फोरिक एसिड और इसको फॉस्फोरस एसिड भी बोल देते हैं। इसको मेटा मेटा ही कहते हैं ना, सॉरी हाइपो नॉट मेटा, हाइपो हाइपो फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, और इसको पाइरो पाइरोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा इनके नाम भी याद रखने की कोशिश करिएगा, सबको लिख करके अलग जगह रख लेना, अपने नोट्स के साथ साथ एक मेमोरी लिस्ट भी बनाते जाओ, जो जो चीज़ें भूलने वाली, जैसे नोट्स बनाया लगा कि सब कुछ तो कॉन्सेप्चुअल है याद रह जाएगा लेकिन ये नाम जो है भूल जाएगा, तो क्या करो इसको अलग जगह लिख करके एक मेमोरी डायरी बना लो, उसमें बस सिर्फ उतना ही लिखो जो एकदम रट रटा करके जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको याद रखना ही पड़ता है। ये नाम थोड़ा ऐसा है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं सकते, नाम है याद रखना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला H4P2O7 ना, H2O4 थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया H4। चलो बात को आगे बढ़ाया जाए, और भी एक दो एसिड्स हैं, एक है अपना पॉली मेटाफॉस्फोलिक एसिड, पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का सिस्टम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, कुछ ऐसा इसमें सिस्टम, ये पॉलीमेरिक है इसीलिए इसका नाम है। ये बॉन्ड छोड़ देने का मतलब रिपीट होता रहेगा, ये इसका यूनिट, इसका यूनिट देखो P डबल बॉन्ड O O एंड OH, P
पी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड ओ एच फिर अगले वाले ये यूनिट जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको अगर हम एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस है और तीन ऑक्सीजन है, मतलब एच पी ओ थ्री। अब जितनी बार रिपीट हो, मान लो 10 बार रिपीट हो, 20 बार, 50 बार, तो लिख देते हैं एन। नाम है इसका पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। एक और है साइक्लोमेटा, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो है, ट्राई है, मेटा भी है और फॉस्फोरिक एसिड भी है, तो थोड़ा इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया जाए। इसको अपनी कॉपी में बना लो, ध्यान से याद रखना। से इतना पॉपुलर है नहीं, एग्जाम में कभी आज तक हमने देखा नहीं इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हुआ। बना रहे हैं सब स्ट्रक्चर पे, इसको ही बना दिया। एंड साइक्लो ट्राई मेटा, तो साइक्लो मतलब साइकिल रहेगा ही, बड़ा सिंपल साइकिल है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन कर दो, सिक्स मेंबर रिंग बना दो। देखो छह मेंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः, अल्टरनेटिवली फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन। और इस पर एक डबल बॉन्ड लगाओ, एक ओ एच ग्रुप लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ओ एच ग्रुप लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ओ एच ग्रुप लगाओ। और ये है देखो इसका रिपीटिटिव यूनिट, तो तीन बार है ना, पी है, तीन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है, तो फिर से वही एच पी ओ थ्री, लेकिन ये कई बार नहीं है, सिर्फ तीन बार है, इसीलिए बोला है ट्राई। और साइक्लो इसलिए बना है क्योंकि रिंग बन गया है, तो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो गए फॉस्फोरस के ऑक्जो एसिड्स। नेक्स्ट है फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड्स, उनका भी स्ट्रक्चर ही बस देखना है और कुछ नहीं। फॉस्फोरस के दो सिंपल ऑक्साइड है, एक है पी फोर ओ सिक्स एंड पी टू ओ फाइव। फॉस्फोरस के पास क्या है, दो आठ पांच, पांच इलेक्ट्रॉन है, तो वो ट्राइवेलेंसी भी दिखाता है और पेंटावेलेंसी भी दिखाता है। ट्राइवेलेंसी मतलब फॉस्फोरस की वैलेंसी तीन है, पेंटावेलेंसी मतलब फॉस्फोरस की वैलेंसी पांच होगी। ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है, दो और छह, इसके अंतिम में छह इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट ऑक्टेट को पूरी तरह से फॉलो करता है, तो ऑक्टेट फॉलो करता है मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसकी वैलेंसी कितनी है, दो। फॉस्फोरस की वैलेंसी है तीन, ठीक, ऑक्सीजन की वैलेंसी है दो, तो जो कंपाउंड बनेगा क्या हो जाएगा, इसका दो इसके नीचे लिख दो, इसका तीन इसके नीचे लिख दो, पी टू और थ्री। लेकिन पी टू और थ्री की तकलीफ क्या है, ये डाइमेरिक फॉर्म में रहता है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मिला दो, तो पी टू और थ्री का जस्ट डबल करो तो देगा पी फोर और सिक्स, इसका स्ट्रक्चर देखना है। सेम वे अगर फॉस्फोरस की वैलेंसी पांच हो, ठीक, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो हो, तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, दो को इधर लिखो, पांच को इधर लिखो, तो पी टू और फाइव, फिर से इसको डबल करो तो पी टू और फाइव का क्या हो जाता है, पी फोर और टेन, तो ये भी डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। ठीक, तो फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड पी टू और थ्री एंड पी टू ओ फाइव, इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी तीन है और इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी पांच है, लेकिन दोनों ही डाइमेरिक फॉर्म में है। पी टू ओ थ्री नहीं होता बल्कि पी फोर ओ टेन ओ सिक्स होता है, और पी टू ओ फाइव नहीं होता बल्कि पी फोर ओ टेन होता है। तो हम इन दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, बड़ा ही सिंपल है, एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर। बस फॉस्फोरस बना लो चार, एक दो तीन चार, थोड़ा टेट्राहेड्रल स्टाइल में बनाते हैं कि टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों पर चार फॉस्फोरस है, टेट्राहेड्रॉन होता है ऐसा अपना, ये इसका बेस हो गया। और ये तीन पॉइंट्स है, ऊपर वाले पॉइंट से यहां मिला दो, यहां मिला दो, यहां मिला दो, कुछ वैसा ही अरेंजमेंट होता है, ये चार फॉस्फोरस हो गए। अब इसके इसके बीच में ऑक्सीजन है, सो एक ऑक्सीजन, इसके इसके बीच में भी एक ऑक्सीजन है, इसके इसके बीच में भी एक ऑक्सीजन है, और इसके इसके बीच में भी एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन जो है इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, तो एक ऑक्सीजन ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और एक ऑक्सीजन जो है इन दोनों को कनेक्ट कर देगा। ऐसा तो ये हो गया आपका पी फोर ओ सिक्स, चार फॉस्फोरस और छह ऑक्सीजन, यही है पी फोर ओ सिक्स।
किसी भी फास्फोरस को देखो तो इसने तीन बॉन्ड बनाया, इसने देखो एक दो तीन, इसने भी एक दो तीन, इसने भी क्या है, इसने एक एक दो तीन, इसने भी एक दो तीन बॉन्ड बनाया, ट्राइवेलेंसी है। पी4 और टेन में क्या होगा, इतना तो रहेगा ही रहेगा, सारे ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जोड़ दो, ये हो गया अपना पी4 और टेन, इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, तो ये हुआ फॉस्फोरस का ये वाला पी4 और टेन, इसका भी स्ट्रक्चर। तो फॉस्फोरस में यही इतना ही है मेरे पास, कुछ कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर, जनरली फॉस्फोरस से यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर ली जाती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन कम रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, सब बताओ, तो यही सब होता है। फॉस्फोरस के कुछ कंपाउंड्स भी हैं, लाइक एक कंपाउंड होता है PS3 फॉस्फी, S3PO3, S3PO4 आपको फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, तो इन दो कंपाउंड्स का जब अपना बुक खोलिएगा तो देखिएगा इसका बनाने का मेथड, 8-10 रिएक्शन, इसको भी बनाने का मेथड, 8-10 फालतू रिएक्शन लिखा होगा, लेकिन वो रिएक्शन ना तो हमें याद हो सकते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ा तो दें हम, लेकिन याद होगा नहीं। और दूसरा चीज़, एग्जामिनेशन में इससे कुछ पूछा उछा भी नहीं जाता, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है ये ऐसा मटेरियल है, इस पर दिमाग कुछ लगाना नहीं है, बस पढ़ पढ़ के याद करके आना होगा, बच्चे याद कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस रीजन से प्लस पेपर में पूछे नहीं जाते। और मेरा टीचिंग जो है थोड़ा प्रैक्टिकल टीचिंग है, वही पढ़ो और वही समझो जो जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है फालतू कूड़ा कूड़ा जो जुटा करके हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए फॉस्फोरस के बहुत सारे चीज़ों को हमने छोड़ दिया और सिर्फ वही चीज़ें ली जो एग्जाम में आती हैं। तो चलो, फॉस्फोरस के बारे में इतना सब कुछ ध्यान से सुनने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।